हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत स्टाइलिश डिजाइन बनाना स्लीव्स के, जो कि बहुत न्यू और बहुत लेटेस्ट पैटर्न है। इसका जो मेकिंग प्रोसेस है, उसके लिए हमें फैब्रिक लेना है स्क्वायर साइजेस में, जिसकी देखिए लंबाई चौड़ाई ढाई ढाई इंच है। और ये मैंने लूप्स लिए जिसकी लंबाई 3 इंच की है। तो ये हमारा जो डिजाइन है फर्स्ट वाला, इसे हम 2 कलर में बनाएंगे, ग्रीन एंड गोल्डन कलर में। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने ये 2.5 इंच की फिर से पट्टी ली है, बहुत लंबी मैंने ली है, लगभग हमारी स्लीव्स के लंबाई का डबल। उसको देखिए मिड पॉइंट पे जो हमने मार्किंग की थी, वहाँ से रखते हुए नीचे की बॉटम वाली साइड से सिल देना है। ये बीचों बीच मैंने सिला है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर। और ये जो हमने स्क्वायर फैब्रिक कटिंग की थी, उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए, और जो हमारा लूप्स है उसे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए दोनों साइड से सिल लेंगे सिंपली। और यहाँ पर हमें सिलने के बाद धागा कट नहीं करना है। तो करना क्या है ना कि ये देखिए, जो हमने फैब्रिक लिया था उसी को थोड़ा सा 1/2 इंच के गैप पर उठाना है और फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिल लाना है, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ग्रीन वाले फैब्रिक का, वो अंदर की साइड चला जाए। अब इस साइड से फिर से इस पैटर्न में आएंगे और फिर 1.5 इंच पे जो अभी मैंने निशान लगाए वहाँ पर घुमाते हुए अपनी मशीन को एक बार फिर से ये ट्राइंगल वाला फैब्रिक रखेंगे और फिर लूप्स रखेंगे और इस तरीके से गोलाई शेप में इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन इसी प्रोसेस में पूरा तैयार होगा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आपको लगे ज़्यादा बड़ा है तो कट भी कर सकती हैं, और अगर आप इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की साइड चला जा रहा है, तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकती हैं। फिर से 1.5 इंच के गैप पर लगभग हमें सेम प्रोसेस को करते जाना है। तो इसी तरीके से हमें सारे लूप्स और ट्राइंगल को बनाते हुए पूरे स्लीव्स के शोल्डर तक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद ये देखिए कैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके से हमारे स्लीव्स का जो पैटर्न है आ गया, बहुत प्यारा लुक अभी से ही आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में, उसको हाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा फैब्रिक साइड से लेना है लगभग 1/2 इंच की, और इस तरीके से अंदर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाइड कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस करके हमें अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाइड कर देना है, और ये हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से ऊपर आ जाएगी। अगर आप ये वाला डिज़ाइन बना रही हो तो आप कोशिश करें कि जो बाजू का आप कटिंग कर रहे हैं उसको 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें, अभी आपका ये वाला डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर मैंने देखिए 3 इंच का फैब्रिक लिया सिंगल में, और इसको डबल फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से ये 1.5 इंच का हो जाएगा। और यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट पर सिलाई लगा देना है, और उसके बाद हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। इस पर स्क्वायर फैब्रिक को फोल्ड करके ट्राइंगल शेप देंगे और यहाँ पर लूप्स के साथ सेम प्रोसेस में अटैच करते हुए सिल देंगे। तो इसी तरीके से सिलकर हमें कंप्लीट करना है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है ये और बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हर तरीके के डिज़ाइन इंसान को पहनना चाहिए। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि जो भी लेटेस्ट ट्रेंड आया करे, आप ट्रेंड में रहें, क्योंकि ट्रेंडी चीज़ें ट्रेंड में ही अच्छी लगती है, और ट्रेंड ख़त्म होने के बाद बिल्कुल पुराना ऑफ सा लगने लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो कम्प्लीट हो गया बॉटम वाली साइड के लिए, और यहाँ पर हाफ फोल्ड करना है अपना बाजू के बॉटम को, और इस तरीके से जो हमने डिज़ाइन बनाया था उस पर अटैच कर देना है सिलकर। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया, एकदम रेडी हो गया है। इसके बाद हमें बॉटम की सिलाई लगा देनी है स्लीव्स की फिटिंग की, और उसके बाद देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये डिज़ाइन बनाने में भी काफ़ी आसान था, और बनाने में भी सच पूछिए गाइस तो बहुत मज़ा आया और बहुत ईजी था, और पहनने के बाद तो ऑसम लुक है। अब हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन नंबर 2। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने बाजू का फैब्रिक लिया है, उस पर इस तरीके से 1.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है सीधी सीधी लाइन। ये देखिए 1.5 इंच की निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी स्क्वायर साइजेस में, ये देखिए, और जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसको इस तरीके से लंबा लंबा कट कर देना है। तो सिंपली इसको सारे पैटर्न को कट करने के बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। काफ़ी इजी ट्रिक है ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन बनाने के लिए, और मुझे तो बहुत इजी लगता है और बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, इस तरीके से अपने ट्रायंगल्स बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये रॉन्ग वाली साइड है हमारी, और ये सीधी वाली साइड है। देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हमारा तैयार हो गया है सीधी वाली साइड।
अब यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया। आप यहाँ पर ऑर्गेन्जा का भी फैब्रिक ले सकते हैं और इसको इस तरीके से रखकर पहले सीधी सीधी सिलाई लगाकर सिल लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर से उधर खिसके नहीं। और उसके बाद एक लेस लूँगी मैं अपने फैब्रिक के कलर का मैचिंग और यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आप चाहे तो लेस को ऑप्शनल रख सकती हैं, अटैच करें या ना करें आपकी मर्जी है, और कर देंगे तो काफ़ी खूबसूरत आपका ही स्लीव्स डिज़ाइन लगेगा। अब इसके बाद देखिए हमें करना क्या है कि एक और फैब्रिक मैंने इस तरीके से बना लिया था ट्रायंगल शेप में, सेम ये मैंने शॉर्ट फैब्रिक में बनाया था 4 इंच के फैब्रिक पर फोल्ड करते हुए, और इसे भी हमें इस साइड से सिल लेना है। ये देखिए ये नेट वाला जो फैब्रिक है वो मैंने लगभग 4 इंच का लिया था, मैं इंच बताना भूल गई थी, सॉरी गाइस। और यहाँ पर देखिए इसको भी इस तरीके से सिल लिया है मैंने। अब इसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है अपने फैब्रिक को, नीचे वाली साइड से नेट के साथ अटैच करना है हमें, ये देखिए, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की साइड ना निकले। वो ऊपर की साइड से इस तरीके से अंदर दबाते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे ट्राइंगल के साथ, ये देखिए। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है उठा उठा भी लग रहा था तो वो एकदम से बैठ जाएगा और बहुत फिनिशिंग से हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, और साथ में हमारा जो नीचे हमने अभी फोल्ड किया था वो भी सिल जाएगा और ऊपर कोई एक्स्ट्रा सिलाई भी नहीं दिखेगी। और दूसरी साइड का भी हमें इसी तरीके से सिल लेना है। आप चाहें तो लेस लगाने से पहले भी इसको सिल सकते हैं, मैं सिलना भूल गई थी तो इसलिए मैंने देखिए लेस को साइड करते हुए उसके बाद इसको सिल रही हूँ। तो ये हमें सिलकर कंप्लीट कर लेना है ताकि डिज़ाइन जो हमारे देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है और बहुत क्लियर एकदम बनकर आया है। अब इसके बाद हमें लेस अटैच कर देनी है अपनी इस साइड से। गाइज मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज थी कि मैं लेस को इस साइड से लगाऊं या इस साइड से लगाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे किस साइड से लगाना चाहिए था, बट मुझे यहाँ पर इस साइड से ज़्यादा पसंद आया तो इसलिए मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया। तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है स्लीव्स का। और आप चाहें तो इस डिज़ाइन को पैंट मोरी के लिए भी बना सकती हैं, काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है और लेटेस्ट पैटर्न में रहना चाहिए हम लोगों को, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं नए नए डिज़ाइन आपके लिए लाती रहती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी नई वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।